Hi students, this is Deeptikant Padiyari. In this class we are going to learn bacterial cell wall. देखते हैं bacterial cell wall क्या है ना, एक ऐसा part है bacteria cell का, एक ऐसा part है जो bacteria को safe provide करता है, हर किसी injury से protection provide करता है. Okay, देखते हैं क्या होता है. The cell wall is the outer covering of bacterial cell in absence of capsule. मतलब एक bacteria है, बैक्टीरिया का आउटर पार्ट में एक आउटर कवरिंग होता है, उसको हम बोलते हैं जनरली क्या, कैप्सूल. वो कैप्सूल जहां पर कैप्सूल प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जहां पर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है उनको अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हम बोलते हैं. ओके ओके, क्या होता है ना, जहां पर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, जहां पर जिस बैक्टीरिया के सेल में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम जनरली बोलते हैं क्या, प्रेजेंट नहीं होता है वहां पर आउटर कवरिंग कौन होता है, सेलुलर, बैक्टीरियल सेलुलर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो सेलुलर इज द रिजिड इन नेचर, सेलुलर इज रिजिड इन नेचर मतलब हार्ड है, एंड व्हिच प्रोवाइड्स प्रॉपर सेफ टू बैक्टीरिया. ओके, जो बैक्टीरिया का जो एक सेफ होता है उसको प्रोवाइड करता है, कौन, सेलुलर प्रोवाइड करता है. और क्या करता है, प्रिवेंट्स लाइसिस ड्यू टू द चेंजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एनवायरमेंट में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एंड बैक्टीरिया सेल के इनसाइड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वहां पर जो कुछ चेंजेस होगा तो क्या हो जाता है ना, कोई भी सेल लाइसिस कर जाता है. ओके, ड्यू टू उसको वो एक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए वहां पर भी बैक्टीरियल सेल हेल्प करता है. ओके, बैक्टीरियल सेल जनरली एक चीज से गढ़ा हुआ है, क्या है वो, पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल. ओके, पेप्टिडोग्लाइकन याद रखना, हम भी पढ़ रहे थे पहले से, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यही है पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में पढ़ेंगे हम. पेप्टिडोग्लाइकन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, याद रखना, इट इज ए मैक्रोमोलिक्यूल. हम आगे पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में. मैक्रोमोलिक्यूल है कंपोज्ड ऑफ ए रिपीटिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग चेन ग्लाइकन चेन. ओके, ग्लाइकन चेन का रिपीटिंग फ्रेम से वो बना हुआ है. ओके, एंड क्रॉस लिंक बाय शॉर्ट पेप्टाइड फ्रैगमेंट, मतलब दो पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंक हो रहे हैं, क्रॉस लिंक होकर क्या पेप्टाइड फ्रैगमेंट बना रहे हैं. वो पेप्टाइड फ्रैगमेंट जो भी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वहां पर एक लिंकेज होता है, क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, याद रखना, क्या, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ओके, याद रखना, हम जो बात कर रहे थे पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में, पेप्टिडोग्लाइकन मेड अप ऑफ टू अमीनो सुगर्स, क्या, पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ टू अमीनो सुगर्स. वो अमीनो सुगर्स क्या क्या है देखते हैं, एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, मीन उसको हम नाक के फॉर्म में लिखते हैं. ओके, और एक है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, क्या, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. ओके, उसको हम नाम के फॉर्म में लिखते हैं, क्या, दो अमीनो सुगर्स क्या क्या है, टू अमीनो सुगर्स. जनरली पेप्टिडोग्लाइकन दो अमीनो एसिड से, दो अमीनो ग्रुप सुगर से मेड अप होता है, क्या होता है वो दोनों, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नाग एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नाम. देखो ये दोनों के, ये दोनों में 4 अमीनो सुगर्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर, लिंक होते हैं वहां उसके साथ. वो 4 अमीनो एसिड्स क्या क्या होते हैं ना, एल अलानाइन, ओके, डी ग्लूटामिक एसिड, डाई अमीनो पिमेलिक एसिड एंड डाई अलानाइन, ना सॉरी डी अलानाइन. ओके, डी एल अलानाइन, डी ग्लूटामिक एसिड्स एंड डाई अमीनो पिमेलिक एसिड्स एंड डी अलानाइन. लेट्स सी, दिस इज ए बैक्टीरियल सेल, द येल्लो पोर्शन. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्सूल,
मैं जो बोल रहा था कैप्सूल के बारे में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद देखो ग्रीन कलर के पोर्शन में उसको फिर डिफाइन किया हुआ है सेल वॉल को, उसके बाद जो पर्पल कलर के में और व्हाइट कलर में आ रहा है, देखो उसको बोल रहे हैं हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके अंदर देखो जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो राइबोजोम है, राइबोजोम। एंड यहाँ पर देखो एक लार्ज फ्लाजेला प्रेजेंट है जो उसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। देखो उसका जो मेटेरियल है न्यूक्लिक एसिड है, देखो वो न्यूक्लियर के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर देखो पिली प्रेजेंट है जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है जनरली। ओके, हम जो दो अमीनो सुगर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्या था उसका नाग एंड नाम। देखो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन यहाँ पर है एंड यहाँ पर नाग है एंड यहाँ पर नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। देखो ये दोनों में क्या बोल रहा था, यहाँ पर ये दोनों किस लिंकेज से बॉन्डेड थे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहीं पर प्रेजेंट है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहीं पर प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एल आलानिन प्रेजेंट है, डी ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, एल लाइसिन प्रेजेंट है, डी आलानिन प्रेजेंट है, जो चारों ग्रुप प्रेजेंट थे, जो चारों अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे देखो यहीं पर प्रेजेंट है। देखो ये एक अलग स्ट्रक्चर है जो डिफाइन किया है नाग एंड नाम को। देखो यहाँ पर नाग को ग्रीन, नाग नाम को देखो नाम को ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है एंड सॉरी नाम को ग्रीन कलर में डिनोट किया गया है एंड नाग को रेड कलर में डिनोट किया गया है। ओके, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर नाग है, यहाँ पर नाम है।